G20 में अलगाववादियों का नहीं होगा जिक्र, विकास पर होगी बात। भारत की कश्मीर मुद्दे पर सबसे बड़ी जीत। डल झील और उसके किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर G20 सम्मेलन में भाग लेने आ रहे देशी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। उन्हें एक नया शांत, विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर कश्मीर देखने को मिलेगा। यह वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी एजेंडे की विफलता के ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक तुर्की भी इसमें शामिल होने की पुष्टि कर चुका है। कोई भी विदेशी मेहमान आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन कर अलगाववादियों या आतंकी कमांडरों के घर दावत पर नहीं जाएगा और न ही उनके एजेंडे की वकालत करेगा। वे भारत के अविभाज्य अंग जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारत को अपना सहयोग देने की संकल्पबद्धता को दोहराएंगे। कश्मीर में बीते 37 वर्ष बाद यह अपनी तरह का पहला और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। G20 सदस्य राष्ट्रों के पर्यटन कार्य समूह का 3 दिन का सम्मेलन सोमवार 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होगा। पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर में इसके आयोजन के खिलाफ चलाया जा रहा दुष्प्रचार अभियान भी विफल नजर आ रहा है। 2019 का अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आजादी के नारे लगभग समाप्त हो गए हैं। आतंकी हिस्सा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। बीते 4 वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। दुबई के MR समूह कश्मीर में शॉपिंग मॉल व 2 IT टावर बना रहा है।